न्यूक्लियर परीक्षण के तुरंत बाद फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के ये शब्द दोहराए थे। विष्णु is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says now I am become death the destroyer of worlds। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें समय के पैमाने आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप हैं। ये वर्ड्स हैं नासा के पूर्व अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और प्लैनेटरी साइंटिस्ट कार्ल सीगन के, जिन्होंने नासा के बड़े और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जैसे अपोलो, वाइकिंग, वॉयेजर और गलीलियो जैसे क्रूशियल और सिग्निफिकेंट मिशंस को डिजाइन और मैनेज किया था। सदापुत दास जी, जिनका ओरिजिनल नाम रिचर्ड लेस्ली थॉम्सन था, जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन, ऑथर और रिसर्चर इन कॉस्मोलॉजी रहे थे, इन्होंने क्वांटम थ्योरी, मैथमेटिकल बायोलॉजी और नासा फंडेड सैटेलाइट रिलेटेड रिसर्च में काम किया था। ये हिंदुइज्म से काफी प्रभावित थे और आपको जान के हैरानी होगी कि इस्कॉन की साइंटिफिक ब्रांच भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। ऐसे कितने ही एग्जांपल्स मिलते हैं जहां वेस्ट के बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही नहीं बल्कि एवटार मूवी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में आज भी आती है, इसके फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन भी हिंदुइज्म से प्रभावित रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कितनी ही थ्योरीज और डिस्कवरीज जो आज नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, उनका उल्लेख हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में क्लियरली मिलता है। फिर वो चाहे एक्यूरेटली एज ऑफ यूनिवर्स बताना हो या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हो, क्वांटम थ्योरी से लेके एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स तक, हिंदू ग्रंथों में इन सभी का उल्लेख बार बार किया गया है। इस वीडियो में डेप्थ में बात करेंगे कुछ ऐसे ही थ्योरीज के बारे में और जानेंगे कि वेस्ट, जिसे साइंस डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बताता है, क्या वो असल में हिंदुइज्म से ही कॉपीड है। विज्ञान के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों में हुई, लेकिन उन्हें पश्चिमी खोजों के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया। ये हम नहीं बल्कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने पीएसएलवी C-55 और टीलियोस 2 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में ये बात बोली थी। हम सभी ने बचपन में सोलर सिस्टम, साइज ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ लाइट जैसे एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक स्कूल की साइंस टेक्स्ट बुक्स में जरूर पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, जैसा कि रिसेंटली एस सोमनाथ जी ने भी कहा है, कि ये नॉलेज हमारी 8th सेंचुरी की किताब सूर्य सिद्धांत में भी उपलब्ध है। ये तो हुई बेसिक टॉपिक्स की बात, कुछ एडवांस टॉपिक्स पे नजर डालते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऋग्वेद, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है प्रेज नॉलेज, और जिसे वेद जी ने संस्कृत में लिखा था, इसमें कई वर्सेस हैं जो रेफर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। एग्जांपल के तौर पे द ऋग्वेद चैप्टर 1:103 पार्ट 2 एक्सप्लेन्स द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम कीप्स द अर्थ स्टेबल। इसका मतलब सौर मंडल का ग्रेविटेशनल प्रभाव पृथ्वी को स्थिर रखता है। इसके अलावा ऋग्वेद के चैप्टर 8:12 पार्ट 28 में भी बताया गया है कि अंतरिक्ष में जितने भी प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज हैं, वो सभी सूर्य से आकर्षित होते हैं और इंद्र की आकर्षण शक्ति से ये सभी अपहेल्ड रहते हैं। यहाँ इंद्र शब्द के दो इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते हैं, ईश्वर या सूर्य माने सन। इसमें आगे सन की अट्रैक्शन, मोशन और इल्यूमिनेशन जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया गया है, और यही कारण है कि सभी प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज अपनी अपनी ऑर्बिट से कभी डेविएट नहीं होते। इसी सेम कॉन्सेप्ट का उल्लेख हमें यजुर्वेद के वर्ष 33 पार्ट 43 में भी क्लियरली मिलता है। यहाँ कहा गया है कि सूर्य आकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में अपनी ऑर्बिट में घूमता है। आप समझ ही गए होंगे कि संस्कृत को क्यों विश्व की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। हालांकि हमें पढ़ाया गया है कि ग्रेविटी का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने 1665 के दौरान किया था। सेकेंडली, अब हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड टाइम की। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रपोज किया था। इसमें आइंस्टीन ने बताया था कि टाइम एंड स्पेस का मेजरमेंट इज अफेक्टेड बाय मोशन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड व्हाट इज
इज बीइंग ऑब्जर्व। इसमें वो आगे बताते हैं टाइम डाइलेशन के बारे में। अ मूविंग क्लॉक टिक्स स्लोअर देन अ क्लॉक एट रेस्ट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक 15 साल की लड़की 5 साल तक लाइट की 99.5% स्पीड से यात्रा करते हुए अपना हाई स्कूल छोड़ती है। जब 15 साल की लड़की पृथ्वी पर वापस आई तो उसकी उम्र यात्रा में बिताए 5 साल यानी 20 साल की हो चुकी होगी। हालांकि उसके क्लासमेट्स की उम्र 65 वर्ष की होगी क्योंकि बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह पर 50 वर्ष बीत चुके होंगे। इसका मतलब जितने भी प्रोसेस इस मूविंग क्लॉक के साथ एसोसिएटेड हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ लाइफ सच एज एजिंग, ये सभी अपेक्षित धीरे हो जाएंगे। हिंदुइज्म की वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड और रीवर्ड लिटरेचर, जिसे सॉन्ग ऑफ द गॉड भी कहा जाता है, द भगवत गीता, टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट का उल्लेख भगवत गीता के चैप्टर 8 वर्स 17 में मिलता है। बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस टेकन टुगेदर फॉर्म द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे एंड सच ऑल्सो इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ विजुअल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के साथियों ग्वालों और गायों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं, जिसके कुछ ही टाइम बाद जब वे वापस पृथ्वी लोक आते हैं तब तक पृथ्वी पे 1 साल बीत चुका होता है। इसी को मॉडर्न साइंस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। ब्रह्मा जी का जीवन 120 दिव्य वर्षों का माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग के बराबर है, जिसे एक कल्प भी कहा जाता है। यानी सत्य लोक जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पर गुजरा एक दिन, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 4,32,000,000,000 वर्षों के बराबर है, यानी 4.3×10^9 ईयर्स। अगर चारों युग यानी सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का ड्यूरेशन ऐड करें तो यही नंबर आता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमने IIT दिल्ली के पब्लिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन के इन डिटेल एक्सप्लेनेशन से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब और ग्रेविटेशनल फोर्स तक हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स समय से बहुत आगे थे और जिन्हें आज भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेफर करता है। कुछ लोग इसे माइथोलॉजी और लेजेंड्स भी बोलते हैं और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुइज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग विच इज इंडीड क्लोजेस्ट टू रियलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कई और थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो हिंदू ग्रंथों में ऑलरेडी बताए गए हैं, जैसे ब्लू स्काई का कॉन्सेप्ट, जिसे आज हम रेले स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं, वो ऑलरेडी मार्कंडेय पुराण में एक्सप्लेन्ड है। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी से लेके स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ तक ऐसे बहुत से टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।